वीरवार और शुक्रवार को पर्यटन स्थल नारकंडा में जमकर बर्फबारी हुई है। नारकंडा में लगभग 9 इंच ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि हाथों पीक पर 1 फुट के करीब बर्फबारी होने का अनुमान है। भारी बर्फबारी होने से NH5 पर रामपुर से शिमला के बीच वाया नारकंडा यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते रामपुर और शिमला के लिए वाहनों और बसों की आवाजाही वाया लोहरी सुन्नी और वाया किंगल जलोक बसंतपुर से आ जा रही है। जबकि बर्फबारी होने के बाद नारकंडा के विश्व प्रसिद्ध धोमड़ी स्की स्लोप पर स्कीइंग गतिविधियां भी शुरू हो गई है। अभी स्कीइंग सेंटर द्वारा नारकंडा में स्कीइंग का पहला बेसिक कोर्स शुक्रवार से शुरू हुआ है, जिसमें सेंट थॉमस स्कूल मंदसौर मध्य प्रदेश के 12 प्रतिभागी हिस्सा ले रही हैं। नारकंडा में हुई बर्फबारी के बाद बाहरी राज्यों से नारकंडा आए पर्यटकों ने बर्फ में खूब मौज मस्ती की और स्नोमैन बनाकर बर्फ के गोले बनाकर बर्फ का आनंद उठाया। बताते चले कि बर्फबारी के बाद नारकंडा में जहां पर्यटकों की चहल पहल बढ़ जाती है, तो वहीं दूसरी ओर नारकंडा में स्कीइंग कोर्स भी चलाए जाते हैं, जिसके लिए प्रदेश के बाहरी राज्यों से भी काफी संख्या में पर्यटक स्कीइंग के लिए भी नारकंडा पहुँचते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटक स्थल नारकंडा में और बर्फबारी होगी, जिससे नारकंडा में पर्यटकों की चहल पहल बढ़ेगी और पर्यटन व्यवसाय भी बढ़ेगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुमार सिंह से अमित सूद की रिपोर्ट। कोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर। कोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।